समय लगभग पौने दो हो गया, हम लोग सीतापुर पुलिस लाइन में, सीतापुर पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है कि हमारे वहां जाने से माहौल खराब हो जाएगा। अपराधियों को पकड़ने की बजाय, आरोपियों को पकड़ने की बजाय पुलिस तानाशाही कर रही है और सरकार के सहारे पर। मैंने ये भी पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, किसका आदेश है, कौन सा वारंट है, तो पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते आप नहीं जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं इस जंगल राज में जहां किसानों के साथ ये हुआ है, जहां पहले सरकार प्रयास कर रही थी किसान आंदोलन कुचल दिया जाए, वो किसान आंदोलन तो नहीं कुचला गया लेकिन अब किसानों को कुचला गया है। अगर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं वादा करता हूं किसान भाइयों से कि हम जरूर आएंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग वहीं डटे रहेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। किसान जीतेगा और ये तानाशाही सरकार हारेगी। समय लगभग पौने दो हो गया, हम लोग सीतापुर पुलिस लाइन में, सीतापुर पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है कि हमारे वहां जाने से माहौल खराब हो जाएगा। अपराधियों को पकड़ने की बजाय, आरोपियों को पकड़ने की बजाय पुलिस तानाशाही कर रही है और सरकार के सहारे पर। मैंने ये भी पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, किसका आदेश है, कौन सा वारंट है, तो पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते आप नहीं जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं इस जंगल राज में जहां किसानों के साथ ये हुआ है, जहां पहले सरकार प्रयास कर रही थी किसान आंदोलन कुचल दिया जाए, वो किसान आंदोलन तो नहीं कुचला गया लेकिन अब किसानों को कुचला गया है। अगर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं वादा करता हूं किसान भाइयों से कि हम जरूर आएंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग वहीं डटे रहेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। किसान जीतेगा और ये तानाशाही सरकार हारेगी। समय लगभग पौने दो हो गया, हम लोग सीतापुर पुलिस लाइन में, सीतापुर पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है कि हमारे वहां जाने से माहौल खराब हो जाएगा। अपराधियों को पकड़ने की बजाय, आरोपियों को पकड़ने की बजाय पुलिस तानाशाही कर रही है और सरकार के सहारे पर। मैंने ये भी पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, किसका आदेश है, कौन सा वारंट है, तो पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते आप नहीं जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं इस जंगल राज में जहां किसानों के साथ ये हुआ है, जहां पहले सरकार प्रयास कर रही थी किसान आंदोलन कुचल दिया जाए, वो किसान आंदोलन तो नहीं कुचला गया लेकिन अब किसानों को कुचला गया है। अगर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं वादा करता हूं किसान भाइयों से कि हम जरूर आएंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग वहीं डटे रहेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। किसान जीतेगा और ये तानाशाही सरकार हारेगी। समय लगभग पौने दो हो गया, हम लोग सीतापुर पुलिस लाइन में, सीतापुर पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है कि हमारे वहां जाने से माहौल खराब हो जाएगा। अपराधियों को पकड़ने की बजाय, आरोपियों को पकड़ने की बजाय पुलिस तानाशाही कर रही है और सरकार के सहारे पर। मैंने ये भी पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, किसका आदेश है, कौन सा वारंट है, तो पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते आप नहीं जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं इस जंगल राज में जहां किसानों के साथ ये हुआ है, जहां पहले सरकार प्रयास कर रही थी किसान आंदोलन कुचल दिया जाए, वो किसान आंदोलन तो नहीं कुचला गया लेकिन अब किसानों को कुचला गया है। अगर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं वादा करता हूं किसान भाइयों से कि हम जरूर आएंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग वहीं डटे रहेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। किसान जीतेगा और ये तानाशाही सरकार हारेगी।